नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शिवानी जी की कहानी चांद। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए चांद। अपने शोक नीले रंग के घेरदार गरारे को किसी नृत्य प्रवीणा बाई जी की सी कुशल घुमेर के साथ फैलाकर वह अपने प्रिय टीले पर बैठी थी। बौनी कमीज के चटक गुलाबी रंग की पारदर्शी झलक के बीच उसका दुस्साहसी निर्लज्जता से किया गया उन्मुक्त यौवन प्रदर्शन देख किसी भी संस्कारी कुलवधू के तन बदन में आग भड़क सकती थी। फिर भी न जाने उस कलूटी के चेहरे में क्या आकर्षण था कि जो भी उधर से गुजरता एक बार मुड़कर देख ही लेता। स्वयं मैं भी तो उस दिन अपना लोभ संवरण नहीं कर पाई थी। यही नहीं, फोन कर मैंने अपनी प्रतिवेशनी मानवी शुक्ला को भी बुला लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि देखने वाले को दोनों ही चेहरे समान रूप से बांधते हैं, अत्यंत सुंदर और हतकुत्सित। मैंने जब पहली बार उसे देखा तब उसकी सस्ती सज्जा देख मेरा सर्वांग घृणा से सिहर उठा था। काला रंग, वह भी ऐसा कि कोई अंधेरे में देख ले तो चौंक उठे। उस काले रंग पर बोतली हरे रंग का चकमक करता दुपट्टा, होठों पर सस्ते लिपस्टिक की गाढ़ी लालिमा और दोनों ओर चोटियों पर लगे अर्धचंद्राकार चमचमाते सोने के क्लिप। दुपट्टा अपूर्व कौशल से सुराहीदार ग्रीवा में मफलर की लपेट में लिपटा दिया गया था, जिससे उस काले राजमहल की पत्थर की सी बनी इमारत की दर्शनीय गुंबदी मीनारें अनदेखी न रह जाएं। उसके बाद जब भी मैंने देखा उसकी सज्जा उतनी ही सस्ती, उतनी ही शोक, उतनी ही मारात्मक रहती। उस दिन वह शायद एकदम ही कोरी साटन का गरारा पहनकर अपने गढ़ टीले पर बैठी थी। इसी से नए साटन की चमक हमारी आंखों को ऐसे चौंधियाने लगी जैसे कोई सूरज की ओर आईना लगा हमारी आंखों पर किरणें फेंक रहा हो। मानो भी मेरा कंधा पकड़ पर्दे के पीछे दुबकी उसे एकटक देख रही थी। देख रही हो ना, बेहया का दुपट्टा देखो जरा, मैंने कहा। क्यों, क्या बुराई है जी, मानो हंसकर बोली। कम से कम दुपट्टा तो ओढ़ लिया है। मैं तुम्हें भले घरों की ऐसी बीसियों कन्या कुमारिकाएं दिखा दूं जो दुपट्टा ओढ़ती ही नहीं। कुमारी कन्याएं क्यों, अपनी मिसेस कोहली को ही ले लो ना। कल ही तो देखा था चार खानी लुंगी पहने उत्तरीय विहीन मिसेस कोहली क्या कम प्रदर्शन कर रही थी अपने यौवन का। मैं चुप रह गई। कहती भी क्या, स्वयं विधाता के कार्यकलाप में त्रुटि निकाल उस तरह से सफाचट की गई भौहों पर पेंसिल की कमान से रेखा, पलकों पर किया गया नवीनतम श्रृंगार प्रलेप, ना भी दर्शनों की दुहाई देती ऐसी निर्लज्जता से नीची बंधी साड़ी कि अच्छी अच्छी सुसंस्कृत आधुनिकाओं की आंखें भी कपाल पर चढ़ जाती। उस पर अत्यंत मिनी कंचुकी, जिसे वह अपने पति के साथ मारवाड़ के किसी सेमिनार में जाकर ठेठ राजस्थानी कारीगर के हाथ से सिलवा कर लाई थी। राजभवन के सहभोज में जिस दिन मैंने पहली बार मिसेस कोहली को देखा, सम्मुख धरे राजभवनी 56 व्यंजनों को चखना भूल मैं अपने सामने बैठी उस अद्भुत रूप से दुःसाहसी श्रृंगार प्रिया की अनुपम सज्जा को ही चखती रह गई थी। मेरी ही नहीं, मुग्ध पुरुषों की चकित दृष्टि भी उन्हीं पर निबद्ध थी। मिसेस कोहली एक बहुत बड़े अफसर की पत्नी ही नहीं, सुगायिका भी थी। एक सुप्रसिद्ध अवकाश प्राप्त बाई जी से वह नियमित रूप से गाना भी सीखती थी। शहर में कोई भी संगीत जलसा होता, हाथ में गजरा लपेटे पेशेवर कोठे वालियों के कटाक्षों को भी फीका करती मिसेस कोहली मीर और गालिब के कलाम से वातानुकूलित भव्य प्रदर्शन गृह को अपने मंजे कंठ स्वर से गुंजा देती। चुप क्यों हो, मानो मुझे जानबूझकर ही छेड़ने पर तुली थी। ईमान से बताना, हमारी कामनी कोहली क्या तुम्हारी इस चांद से कुछ कम है? अंतर इतना ही है कि उसके पति एक उच्च पदस्थ अफसर हैं और चांद।
और चांद के पति अंगुलियों पर नहीं गिने जा सकते। मैंने हंसकर उसे बीच में ही टोक दिया। सचमुच ही क्या नहीं किया था इस अभागी ने। पहले कर्नल सोनी की गृहस्थी में विष घोला, मिसेस सोनी के यहाँ आया बनकर गई और तीसरे ही महीने उनकी सौत बनकर लौटी। अच्छी भली मिसेस सोनी को पागल बना दिया हरामजादी ने। फिर उस मद्रासी इंजीनियर के साथ नाक कटवाई। पर एक बात माननी पड़ेगी, मानो ने हंसकर कहा, रुचि है छोकरी की, बड़े ही शिकार पर टूटती है। क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा था। केवल खीर मिष्ठान ही नहीं चखती महारानी, भुने चने लाई से भी परहेज नहीं है अभागी को। मतलब? मानो मोढ़ा खींचकर बैठ गई। देख लो ना खुद, मैंने उसे हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया था। एक लंबा चौड़ा पठान सा रिक्शा चालक रिक्शा रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। एकदम ओडिसी की मुद्रा में छाती पर दोनों हाथ धरकर, बाकी अदा से गर्दन पीछे झटक, अपने कटाक्ष का अचूक हथगोला फेंका और रिक्शा चालक वहीं पर चित्त हो गया। हम दोनों पर्दे की ओर से वह सस्ती नौटंकी देख रही थी। उसने फटी बनियाइन को उठाकर विवर्ण पाजामे के नाड़े में बंधा बटुआ खोला और एक एक के दो तीन पांडुजीर्ण नोट निकाल लिए। एक बार इधर उधर देख उसने फिर वही पत्र पुष्प आराध्य देवी के चरणों में रख दिए। बेचारे की न जाने किन किन थकान प्रद रिक्शा यात्राओं से अर्जित की गई गाढ़े पसीने की वह कमाई हमारे देखते ही देखते फुर्र से हवा में उड़ गई। उसके जाते ही चांद ने आइसक्रीम वाले की ठेला गाड़ी को रोका, पल भर को उसे भी अपने कटाक्षों में बांधा और तीन के दाम देकर चार बाल्टियां एक साथ लेकर खाने लगी। आइसक्रीम वाले ने शायद कम पैसे मिलने की शिकायत की, जिस पर तुनक कर उसने अपना काला मोटा अंगूठा उसे दिखा दिया। चांद की वह अनोखी अदा देख वह काना आइसक्रीम वाला गदगद हो कुछ जोर से ही कह बैठा, क्यों नाराज होती है महारानी, पूरी गाड़ी ही तेरी है, और दूं? देख रही हो ना, मैंने मानो को ठसकाया, हाड़ मांस जले जाते हैं इसे देखकर। दिन रात यहीं बैठी यही सब करती रहती है। हर फ्लैट में जवान लड़के लड़कियां हैं, तुम ही सोचो क्या असर पड़ता होगा उन पर। मानो को अब भी उसी निगोड़ी से सहानुभूति थी। कैसी बचकानी बातें करती हो जी, वह कहने लगी, यह ना होती तो उन्हें क्या कुछ और नहीं मिल सकता। मुझे तो भाई इस शोक लड़की पर तरस ही आ रहा है, ना जाने किस कुंठा ने इसे ऐसा बना दिया है। किसी भली सहृदय स्वामिनी के हाथ में पड़कर इसकी काया पलट हो सकती है, तब तुम ही क्यों नहीं रख लेती इसे। कई बार मुझसे आया ढूंढने को कह चुकी हो, यह नौकरानी क्या बुरी है। क्या पता, शायद तुम्हारे संस्कारशील ग्रह का गंगा जल इसे भी पवित्र कर दे। मैंने तो मजाक ही किया था, पर मानो को क्या निश्चय लेने में कभी देर लग सकती थी। मैं उसे रोकती इससे पहले ही वह उसे तालियां बजा हिश हिश कहकर पुकारने लगी थी। पहले चांद ने देखा और अपनी गर्वीली ग्रीवा ऐसे फेर ली जैसे कुछ सुना ही न हो, पर फिर मानो ने कुछ जोर से ही हाँक लगाई, अरे ओ लड़की, बहरी हो गई क्या? जी, मुझे बुलाया। वह बड़ी नम्रता से उठी तो उसका घेरदार नीला गरारा अंतहीन नीला काश सा ही दूर दूर तक फैल गया। हाँ जी, और क्या तुम सोच रही हो मैं तालियां बजाकर कव्वाली गा रही हूं? आनंदी मानो के उपालंब ने कलूटी को हंसा दिया। सचमुच ही उसके स्वच्छ दांतों की छवि अनुपम थी। वह निकट आई और मैंने पहली बार उसे ठीक से देखा। सस्ते इत्र की तीव्र गंध से हम दोनों का सिर एक साथ चकरा गया। ने संकोच आकर हमारे सामने खड़ी हो गई। एक पल को उसकी सस्ती सज्जा के बीच झांक रहा उसका निर्लज्ज स्वस्थ युवती का मुंहफट यौवन हम दोनों को एक साथ भाला सा मार गया। क्या ब्लाउज के भीतर रोड़े बांध लिए थे बेहया ने? एक सेकंड के लिए मुखरा मानो भी जैसे वाणी खो बैठी। फिर हंस हंस कर उसने ही पूछा, क्यों नौकरी करोगी? जी, चांद ने अविश्वास से हम दोनों को बारी बारी से देखा। इसी बस्ती में तो अभी दो फ्लैटों से उसका हृदयहीन निष्कासन हुआ था। फिर एक प्रसिद्ध क्लब में
किसी बैरा के साथ शराब पी पीकर विवस्त्रा बनी इसी मदालसा कराली को पीएसी की विराट गाड़ी 4 ही दिन पहले पकड़ कर ले गई तो पटापट करते 300 फ्लैटों की खिड़कियां खुल गई थी। एक साथ इतने साहब मेम साहब लोगों को अपनी दुर्दशा की चटकारियां लेते देख वह निर्लज दृष्टा जानबूझकर ही पास बैठे दरोगा पर गिर गिर पड़ी थी। स्वयं मानो ने मेरी ही खिड़की से उसकी यह जेल यात्रा देखी थी। शायद चांद ने भी उस दिन हम दोनों को देख लिया था। इसी से हमारा प्रस्ताव उसे चौंका गया। भुजंगनी ने हमारी ही आंखों के सामने तो इतनों को डसा, फिर भी हम क्यों स्वयं उसे डसने का प्रलोभन दे रही थी। अजी हाँ नौकरी, ये मेम साहब कह रही हैं कि तुम्हारी नौकरी फिर छूट गई है। मानो मेरी ओर कनखियों से देखती बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कराई। चांद सिर झुकाए चुप रही, पर मानो उसे अपनी सरल सीमित गृहस्थी के नाना प्रलोभनों का उत्कोच देकर लुभाने लगी। एकदम छोटा सा कुटुंब है हमारा, हम साहब और बेबी। काम भी ऐसा कोई खास नहीं, डेयरी वाला दरवाजे पर ही रुकता है, बाजार करने मैं खुद चली जाती हूँ। स्त्री वाला तो ठेला हमारे ही नीम के तले खड़ा होता है। कोयला मैं जलाती नहीं, गैस पर खाना बनता है बस। बेबी का खाना पहुँचाना होगा, वह भी स्कूल 2 कदम पर है। एक सांस में चांद के ऐसे मखमली भविष्य का खाका खींचकर मानो हांफने लगी, पर चांद फिर भी चुप रही। मैंने मानो को कोहनी से ठेल कर अंग्रेजी में कहा, अब चुप भी कर, देखती नहीं उसके लिए साधारण नौकरी का कोई आकर्षण नहीं है, वह केवल असाधारण नौकरी ही किया करती है। क्यों चांद? पर मानो के सिर पर तो जैसे मौत नाचने लगी थी। तनख्वाह भी कम नहीं दूंगी, 40 रुपया और नाश्ता खाना, साथ में कपड़े साबुन तेल। अब उन कुटिल आंखों में पल भर को एक चमक सी आई। तनख्वाह तो कुछ बुरी नहीं थी, जैसे वह मन ही मन सब हिसाब लगा रही थी। मुझे क्या दिन रात कोठी पर रहना होगा मेम साहब? उसने रात पर ही अधिक जोर देकर ऐसे पूछा जैसे उसे दिन से अधिक चिंता रात की ही थी। नहीं नहीं, बड़ी उतावली से हंसकर मानो ने कहा, रात क्यों रहोगी, 8 बजे छुट्टी दे देंगे जी। पर देखो, कभी कभार मुझे पार्टी वार्टी में जाना पड़े तब जरूर तुम्हें बेबी के साथ रहना पड़ेगा, पर फिर हम तुम्हें खुद अपनी कार से घर पहुंचा देंगे। चांद अब आश्वस्त होकर मुस्कुराने लगी। रात न रहना पड़े तब उसकी निशाचरी वृत्ति की ऊपरी आमदनी को भला कौन रोक सकता था। जेब खर्च को ये 40 रुपए क्या बुरे थे। जी मैं करूंगी, उसने अपनी सलज विनम्र स्वीकृति दे दी और मानो तो जैसे उछल ही पड़ी। बस बस कल ही से काम पर आ जाना, समझी? वही फ्लैट है हमारा, इन मेम साहब के बगल वाला। जी, वह बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चली गई। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मजाक में उसके गले पर उल्टी धरी गई मेरी तेज छुरी वह स्वयं सीधी कर अपना गला चाक कर लेगी। चांद गई तो मैंने घबराकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। क्या कर रही हो तुम मूर्ख? जानबूझकर ही इस घिनौनी बदनाम औरत को तुम अपने घर में किस दुस्साहस से न्योत रही हो? क्यों? उसने हंसने की चेष्टा की किंतु कांपते अधरों के कोर मुझसे छिपा नहीं पाई। जेके को तुम जानती हो, उसे संसार की किसी सरपणी का विष नहीं व्याप सकता। ठीक ही तो कह रही थी वह, यही तो उस विचित्र व्यक्ति का एकमात्र गुण था। चरित्र एवं मनोबल के उस अनोखे तेज से दीप्त उसके चेहरे का आकर्षण दुगुणित हो गया था। न वह कभी आवश्यकता से अधिक बोलता, न व्यर्थ हंसता, न इधर उधर जाता। लतें थी तो बस दो, एक सिगार दूसरी ब्रिज, कोई भी ब्रिज की बैठक उसके बिना जम नहीं सकती थी। कहा जाता था कि ब्रिज का ऐसा बेजोड़ खिलाड़ी शहर में ढूंढे से भी नहीं मिल सकता था। कभी कभी मानो मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोने बैठ जाती। समझ में नहीं आता बहन, इन पढ़े लिखे जुआरी अफसरों को कोई क्यों नहीं पकड़ता। ये जो ऊंची कोठियों में ऊंचे अफसरों का ठीक पुलिस अधिकारियों के नाक के नीचे ऊंचा जुआ चलता है, इस पर कोई क्यों छापा नहीं मारता। मेरा बस चले तो इन सधे जुआरियों को सरे बाजार जूते लगवाऊं।
मानो को स्वयं ताश के खेल से सख्त नफरत थी। पति के साथ वह चली अवश्य जाती, पर लाख प्रलोभन दिए जाने पर और ब्रिज की कुशल खिलाड़ी होने पर भी वह कभी उस अखाड़े में नहीं उतरी। घर की संपत्ति लुटाने के लिए घर का एक ही सदस्य क्या कम है, वह हंसकर कहती और किताब खोलकर बैठ जाती। कभी कभी बैठक आधी आधी रात तक चलती। इसी से बेबी के पास बिठाने के लिए उसे एक आया की तलाश थी। भला हो तुम्हारा, वह हंसकर कहती हुई उठ गई। आज बैठे बिठाए भगवान ने इसे भेज दिया। जब से पुरानी आया गई, मैं जेके के साथ जा नहीं पा रही थी। मेरा और मानो का परिचय अब करीब करीब साल भर का हो चला था, और उस विलक्षण नारी का अद्भुत चरित्र इधर मुझे पग पग पर आश्चर्यचकित करता जा रहा था। इस छोटी सी अवधि के सहवास में ही वह मेरे अत्यंत निकट आ चुकी थी। उसकी शायद ही कोई बात मुझसे छिपी थी। उसका सदाबहार चेहरा, होठों पर निरंतर थिरकने वाली भुवन मोहनी हंसी, पड़ोस भर का सिरदर्द बटोर कर हंसते हंसते स्वयं झेलने की अद्भुत शक्ति देखकर मैं कभी कभी दंग रह जाती। कैसी सुंदर जोड़ी है और कितने सुखी हैं दोनों, लोग कहते तो मुझे मन ही मन हंसी आ जाती। उन आंखों में छलछला रही वेदना की उस अगाध उदधि को क्या कोई आज तक देख सका था? क्या कोई कभी सोच सकता था कि दिन भर प्रतिवेशी परिवारों के साथ उठती बैठती, खिलखिलाने वाली, विवाह मुंडन के संगीत जलसों में किसी पेशेवर बाई जी की सी अदाकारी से स्त्री समुदाय को घायल कर देने वाली यह चंचल चकोरी रात को तकिए में सिर गड़ा फूट फूट कर रोती है? केवल मैं ही जानती थी कि होठों की उस स्वाभाविक हंसी के लिए उसे अपने कलेजे की किस टीस पर कैसी बोझिल शिला रखनी पड़ती है। यह जानकर भी मैं उसका इतना बड़ा अनिष्ट कैसे कर गई? लड़ भिड़ कर मैंने क्यों उसे अपने सुझाव की व्यर्थता नहीं समझाती? पर कहते हैं कि पाप स्वीकार कर लेने पर फिर पाप नहीं रह जाता। आज इसी से एक एक बात अपनी हठीली स्मृति से उगलवाती चली जा रही हूँ। मानो का दाम्पत्य जीवन ऐसा ही था, जैसे रेशमी चमकते पलंग पोश से ढका गूदड़, फटा बिस्तर। यदि कोई निकट जाकर दुस्साहस से पलंग पोश खींच लेता तो उसे बसाते चीकट चीथड़े देखकर निश्चय ही दो कदम पीछे हटना पड़ता। मैंने यही दुस्साहस किया था, किंतु मैं दो कदम पीछे न हटकर बड़ी धृष्टता से आगे ही बढ़ती चली गई थी, और एक एक चीथड़े का सही मूल्यांकन मैंने अब पूर्ण रूप से कर लिया था। मानवीय शुक्ला और जेके के स्वभाव में ही नहीं, दोनों के पितृकुल के रहन सहन अदब कायदों में भी कहीं कोई साम्य नहीं था। एक का स्वभाव उत्तर था तो दूसरे का दक्षिण। वैसे तो प्रत्येक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कलह का अस्तित्व भी एक प्रकार से अनिवार्य है। जीवन भर आकंठ प्रेम में डूबे दंपति कभी वैवाहिक जीवन के सच्चे सुख को नहीं जान सकते। एक न एक दिन उनके इस प्रेम प्रदर्शन में बनावटी अभिनय का पुट स्वयं ही आ जाता है। जीवन भर कबूतरों की भांति चोंच में चोंच दिए गुटरगो करना भी भला कोई जीवन है? स्वस्थ राजनीतिज्ञ की ही भांति पति भी प्रखर विरोधी के अभाव में स्वयं ही कुंठित होकर जड़ हो जाता है। किंतु मानवी को देखकर मेरी धारणा अब धीरे धीरे बदलने लगी है। यह तो एक ऐसी जोड़ी थी जिनका नित्य का कलह कभी कभी मेरा भी सिरदर्द बन उठता था। उस गृहस्थी का संधि विराम कभी शत्रु पक्ष को आश्वस्त नहीं कर पाता। मानवी के पिता ने कानून घुट्टी में घोलकर पिया था। उसके परिवार के वकीलों ने अपनी दक्ष दलीलों से कांवर भर भर कर धन बटोरा था। मानवी पिता की मुहलगी इकलौती संतान थी। मातृहीना पुत्री को साहबी शिक्षा दिलाकर जब साहब ने भावी जामाता जैसे सुनहले सपने देखे थे, उसे स्वयं चूर चूर कर मानवी ने स्वेच्छा से ही प्रौढ़ दुहेजू जेके के कंठ में वरमाला डाली थी। जिस व्यक्ति के कठोर व्यक्तित्व पर वह रीझी थी, वही धीरे धीरे उसके लिए अभिशाप बन बैठा। मानवी को शोक रंगों से लगाव था और जेके लाल रंग देखते ही सांड सा भड़ा कुटता। मानवी को तला भुना मिर्च मसालेदार खाना रुचता था। जेके ने शायद पत्नी को ही चढ़ाने के लिए अपनी अपूर्व इच्छा शक्ति से पेट में अल्सर की छोटी छोटी नर्सरी बना ली थी। अब वह केवल मूंग की दाल और उबली लौकी खाता था। कभी कोई जलसा होता
तो मानवी बड़ा सा जूड़ा बनाकर बेले का गजरा लगा लेती और फौरन ही जेके तुरुप लगा देता। क्यों, कोठे में बैठने जा रही हो क्या? बस उसी क्षण गजरा नोच नोच कर जूड़ा बिखेर भूतनी सी बनी मानो कोप भवन में घुस जाती। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर, न जेके दबता न मानो झुकती। इसी से दोनों ही नित्य सांप नेवले की ही भांति तने रहते कि अवसर पाते ही कौन किसे पहले दबोच ले। मुझे तो लगता था कि दोनों के बीच यदि वह चांद सी बेबी ना होती तो निश्चय ही आपस में दिन रात खनकते कांच के ये दोनों बर्तन कब के टूट गए होते। विवाह के पूरे 5 वर्ष पश्चात मानो कि जीवन मरुभूमि को वात्सल्य वृष्टि ने सिंचित किया था। हिरोशिमा की जली झुलसी भूमि में उपजे प्रथम तृणांकुर की ही भांति अब वह अर्धमृत दग्ध दो प्राणों को जीना सिखा रही थी। मानो का कहना था कि उसकी सौत की अतृप्त आत्मा ही उसके दाम्पत्य जीवन के नित्य कलह का कारण है। जेके के प्रथम और अंतिम प्यार का प्रतीक बनी उसकी अशरीरी आत्मा उसके जीवन में निरंतर मंडराती रहती है। न जाने कितनी बार वह मानो को सपने में आकर चेतावनी दे गई है कि वह एक न एक दिन उससे प्रतिशोध लेकर ही रहेगी। वह अब भी उसी की याद में खोया खोया रहता है। मैं जानती थी वह उसे कभी भूल नहीं पाएगा, उसने एक दिन मुझसे कहा। तब उसने तुमसे विवाह क्यों किया, मैंने पूछ लिया। तुम भूल जाती हो, उसकी उदास आंखें अपनी विगत कोर्टशिप की स्मृतियों में रसभीनी हो उठती। विवाह मैंने उससे किया था, उसने नहीं। वह तो किसी गुरु से दीक्षा लेकर हरिद्वार जा रहा था। उस वैराग्य के कारण को भी दुर्भाग्य से मानो जानती थी। उसकी प्रथम पत्नी रिश्ते में मानो की ही मौसेरी बहन थी। बेहद नाजुक गोरी दुबली सी उस लड़की में असाधारण कुछ भी नहीं था। वह वैसी ही साधारण लड़की थी जैसे उन दिनों हर हाई स्कूल पास लड़की हुआ करती थी। पर जेके उसके पीछे दीवाना था। मानो कि वही सौत जेके को 8-8 पृष्ठ के प्रेम पत्र लिखकर पत्र का आरंभ और अंत बड़े कौशल से छिपाकर अंग्रेजी कविताओं के कोटेशन लिखवाने अक्सर मानो ही के पास आती थी। फिर अचानक ही असमय प्रसव ने उसके सुखी वैवाहिक जीवन का अंत कर दिया। मानो का विवाह हुआ तो लोगों को जेके के सौभाग्य से निश्चय ही ईर्ष्या भी हुई होगी, क्योंकि स्वस्थ सुंदरी मानो का व्यक्तित्व तो असाधारण था। चेहरा ही नहीं, बुद्धि का कोठा भी ठसा ठस भरकर ही वह पति की उजड़ी वीरान गृहस्थी संभालने आई थी। यही प्रखर बुद्धि तो उसकी शत्रु बन गई। पुरुष पति रूप में पितृकुल के वैभव में व्यक्तित्व में पत्नी का लोहा मान सकता है, किंतु बुद्धि में यदि पत्नी का पड़ला भारी हो तो वह तिलमिला उठता है। एक ही महीने में वह जान गया कि मानो के ज्ञान के भंडार की तुलना में उसका ज्ञान कोश एक प्रकार से रिक्त ही है। पहली भोली अल्हड़ पत्नी को वह जैसे तर्जनी पर नचा सकता था, इसे नहीं नचा पाएगा। यही नहीं, उसने जरा भी ढील दी तो यह विलक्षण युवती उसे चट अपने ही अंगूठे तले दबा देगी। इसी से वह आरंभ से ही सावधान हो गया। अपने कठोर अनुशासन, गंभीर एवं अनुकरणीय आदर्श की अमिट लक्ष्मण रेखा में अपनी दूसरी पत्नी को बांधकर वह स्वयं घेरे से दूर छिटक गया। किंतु फिर भी मानो ने हार नहीं मानी। अपने गृह कलह की दुर्गंध को वह अपने आनंदी स्वभाव की अगरू से मिटाकर उड़ा देती, पर मेरे नथनों को वह छल नहीं पाई। इलायची खा लेने पर भी क्या लहसुन की तीव्र महक पूर्ण रूप से दब सकती है? प्रायः ही उच्च स्वर में गरज रहे जेके का पुरुष कंठ स्वर बेधड़क मेरी खिड़की से सरकता मेरे कानों में चला आता। और फिर मानो की दबी सिसकियां, एक तो उस अनोखी बस्ती में जोड़ों में बने वे फ्लैट गढ़न और दर्शन में एकदम स्यामी जुड़वा थे। एक फ्लैट की धड़कन जब किसी दूसरे की धड़कन बन सकती थी और एक फ्लैट की छींक खांसी निर्लज डकार अनजाने अनचाहे दूसरे फ्लैट में जाकर कभी भी अपना अवांछित टेप बजा सकती थी। इसी से उस दिन से जब मानो मुझे दिखती तब मैं हंसकर उसे छेड़ देती। क्यों जी, सौत का प्रेत आज फिर आया था क्या? वह भी हंसने की चेष्टा करती
पर उसके सुंदर होंठ कांप कर रह जाते। मैंने एक बार उसे बुरी तरह डांटा भी था। स्वयं अपने ही मन में एक व्यर्थ अंधविश्वास का जाल बुनती, वह किसी फूहड़ मकड़ी की भांति स्वयं ही अपने जाल में फंसकर प्राण दे रही थी। कैसा आश्चर्य है मानो, मैंने उसे समझाने की चेष्टा भी की थी, तुम पढ़ी लिखी होकर भूत प्रेत और झाड़ फूंक की बातें करती हो। ना जाने कब उसे उसकी महरी ने बता दिया था कि उसकी मरी सौत उसे दिन रात सताती है, एक पल चैन से नहीं रहने देती। दिन रात उसका पति उसे मारता है। इसी से उसने किसी अघोरी नट को सौत का भूत भगाने को देहात से बुलाया है। मानो को फुसलाकर वह 50 रुपए भी ठग ले गई थी। कितनी मूर्ख हो तुम मानो, मैंने उसे झिड़क दिया था। क्या करती, वह खिसियाई स्वर से कहने लगी। बेचारी बहुत रो रही थी। सुना है नट ही मरी सौत से पिंड छुड़वा सकते हैं। कल उसे झाड़ने आएगा। 2 मुर्गे, 1 बोतल शराब, 8 अंडे और 30 रुपए, यही फीस है उसकी। इसी से तो मैंने दे दिए। चलो मेरी सौत नहीं उतरती तो किसी की तो उतरे, वह हंसने लगी। छी छी मानो, तुम भी उसकी बातों में आ गई। देख लेना, 50 रुपए वह खुद डकार जाएगी, मैंने कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कल जाऊंगी उसकी झाड़ फूंक देखने, तुम भी चलो ना, देखें तो सही कैसे भागती है उसकी सौत। और फिर कुछ उसका कौतूहल, कुछ स्वयं मेरा, मुझे भी वहां खींच ले गया। ताड़ी की भयानक दुर्गंध से बसाता वह औघड़ अवधूत पालथी मारकर बैठा था। पास ही सम्मिलित टांगों के बंधन में बंदी 2 पुष्ट मुर्गे भय से बार बार फड़फड़ा रहे थे। एक ओर टूटे 8 अंडों की जर्दी बिखरी पड़ी थी, दूसरी ओर मूंज की झूला सी चारपाई पर मानो की महरी। हमें देखकर ना वह उठी, ना उसने अभ्यर्थना का ही आभास दिया। नट की नंगी काली देह, मिट्टी के तेल की हवा में घुप घुप कर जलती बत्ती और रह रहकर कमरे में तीव्र होती जा रही ताड़ी की दुर्गंध एक रहस्यमय वातावरण की सी सृष्टि कर रही थी। नट ने एक बार हमें लाल लाल आंखों से देखा, फिर एक चीख मारकर महरी के पास खड़ा हो गया। महरी का चेहरा उसे देखकर ही तमतमा उठा। आंखें कपाल पर चढ़ती चढ़ती सहसा स्थिर हो गईं और वह एकाएक तनकर नट की ओर मुड़ गई। क्यों, जाएगी या नहीं, बोल, नट ने चीख कर पूछा। नहीं, महरी का दृढ़ स्वर जैसे 7 समुद्र पार से तैरता चला आ रहा था। नट ने क्रोध से कांप कांप कर फिर पूछा, सोच ले। सोच लिया, यह तो महरी नहीं जैसे किसी पेशेवर मदारी का जंबूरा बोल रहा था। सहसा नट ने उछलकर उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मैं सहम कर उठ गई, पर मानो ने मेरा आंचल खींचकर मुझे बिठा ही नहीं दिया, आंखें तरेर कर मूक फटकार भी दे दी। वह स्वयं फिर अचल अडिग मुद्रा में एकटक नट की हृदयहीन झाड़ फूंक देखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी तृप्ति झलक रही थी जैसे महरी के माध्यम से पिट रही सौत महरी की नहीं स्वयं उसकी हो। क्यों, और परेशान करेगी इसे, बोल, जाएगी कि नहीं, लपक कर उसने अब महरी का झोंटा पकड़कर ऐसे खींचा जैसे बेड़ी का जड़ से ही उन्मूलन कर छोड़ेगा। ऐसी भयानक मार खाकर भी दुबली पतली महरी कैसे हंस रही है, यह रहस्य मैं आज तक नहीं सुलझा पाई। उफ, कैसी लात, कैसे सशब्द थप्पड़ और किसी कद्दावर बॉक्सर के से घातक घूंसे उस गरीब पर पड़ रहे थे, पर वह तो जैसे रुई भरा निर्जीव गांव तकिया बन गई थी। विकृत स्वर में हंस हंस कर वह कहने लगी, और का, महारानी बनी हमारे भरतार के साथ राजपाट कर रही है, तनी पूछो इनसे, कनागत लगे हैं, कभी एक धोती टिकली दान करी है हमारे नाम पर। मैंने मानो का कंधा पकड़कर हिलाया, चलो मानो घर चले, न जाने कैसा लग रहा है यहाँ। पर मानो तो जैसे स्वयं किसी ट्रांस की मीडियम बन गई थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। महरी की सौत क्या अप्रत्यक्ष रूप से उसे भी चेतना दे गई थी। तब बोल, साड़ी टिकली लेकर इसे छोड़ेगी कि नहीं, नट ने एक घूंसा मारकर उसे नीचे गिरा दिया और वह घूंसा जैसे उसे न लगकर मुझे लगा। मैं तिलमिलाकर उठ गई। छी, अब और यह गंवारपन नहीं देख पा रही थी मैं।
पर वहां मेरे उठने या जाने की चिंता ही किसे थी। बोल जल्दी, साड़ी टिकली लेकर जाएगी या नहीं? नट ने इस बार चोटी पकड़कर उसे एक गोल चक्कर सा खिला दिया। हाँ 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 कर, सौत ने उसे छोड़ने का अस्पष्ट आश्वासन दिया। इस पर नट चीख उठा, ठीक है, अब मिरज की धुनी लेकर ही मानेगी तू। फिर वह हमारी ओर मुड़कर बोला, मेम साहब आप लोग बाहर चली जाएं, इसे हम मिर्चा की धूप देंगे। मैं एकदम उठ गई, पर मानो बड़ी अनिच्छा से उठकर बाहर आई थी। उसे झाड़ फूंक ने सचमुच ही बुरी तरह जचकोर दिया था। वह भयत्रस्त स्वर में फुसफुसाई, मैंने भी तो कभी उसके नाम का कुछ दान नहीं किया, शायद इसी से मेरे पीछे पड़ी है। आज ही जाकर सब सामान लाऊंगी और इसे झाड़ने बुलाऊंगी। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगी। तमाशा खड़ा करोगी क्या? जेके ही कम है क्या जो इस नट के लात घूंसे खाओगी? उसने सकपकाकर मुझे देखा। तब क्या मुझे पता था कि वह हृदयहीन व्यक्ति कभी कभी उस पर हाथ भी छोड़ बैठता है? हाँ, मुझे पता था। दोष मेरा नहीं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं, हम दोनों के जुड़वां फ्लैट की पारदर्शी दीवार का था। तुमने मुझ पर फिर हाथ चलाया। मैं जानती हूं तुम पर किसी दुष्ट की आत्मा सवार है। मानों का सिसकियों से कांपता कंठ स्वर अर्धरात्रि की स्तब्धता को चीरता सीधे मेरे शयन कक्ष में चला आया था। किंतु दूसरे दिन उस उत्फुल्ल चेहरे पर रात्रि कलह की एक रेखा भी मुझे ढूंढने पर नहीं मिली थी। संध्या को दोनों को एक साथ घूमते देख मैं दंग रह गई थी। तब क्या दोनों किसी नाटक का रिहर्सल कर रहे थे? कैसी विचित्र जोड़ी थी यह! इसी से उस वैचित्र के चौकटे में सहसा मड़ गया तीव्र नैना चांद का चमकता चेहरा मुझे बार बार शंकित करने लगा। यह ठीक था कि क्रोधी जेके के दुर्धर्ष व्यक्तित्व दर्पण में किसी भी सुंदरी का मुखारविंद कभी प्रतिबिंबित नहीं हो सकता था, पर चांद सुंदर होती तो मुझे चिंता न थी। उसकी अटी सटी देह केवल प्रेयसी की देह थी। उसका असंवृत अंचल कहीं पत्ता न हिलने पर भी किसी अदृश्य हवा के झोंके में स्वयं ही उड़ता रहता। चलते फिरते उठते बैठते उन मदालस नयनों की दृष्टि प्रणयी पुरुषों को किसी मदनोत्सव के निमंत्रण पत्र बांटती चली जाती थी। वह सड़क पर निकलती तो स्त्रियां घृणा से आंखें फेर लेती, पर राह चलते पुरुषों में से शायद ही कोई ऐसा निकलता जो इसे एक बार मुड़कर ना देख लेता। यह सब मैं नित्य ही ना चाहने पर भी अपनी खिड़की से देख लेती थी। इसी से मानो को मैंने एक बार फिर समझाया, मानो मैं मानती हूं कि जेके पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास है, पर मैंने इस छोकरी की एक एक कुटिल चाल इसी खिड़की से देखी है। ओह, मानो हंसी, क्यों जी, तुम क्या सोचती हो? उस घिनौनी सूरत पर कोई पढ़ा लिखा संभ्रांत व्यक्ति भी रीझ सकता है। पुरुष केवल चेहरे पर ही नहीं रीझता, मानो देखती नहीं उस सांचे में ढली काली देह में केवल नारित्व है और कुछ नहीं। चेहरे के सौंदर्य से देह के सौंदर्य का आमंत्रण पुरुष के लिए कहीं अधिक घातक सिद्ध हो सकता है, समझी? पर वह समझने के मूड में ही कहाँ थी। दूसरे ही दिन मेरे पार्श्व के फ्लैट में चांद की धौत चंद्रिका छिटक गई। फिर तो नित्य ही मानो चांद पुराण लेकर बैठ जाती। भाई, गजब की गुड़ी लड़की है, देखने में भले ही लोहा हो, गुणों में तो खरा सोना है। चाहे किसी जौहरी से कसौटी पर कसवा लो। क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो बिस्तर से ही नहीं उठने देती। आते ही धोबी बंद करा दिया। बोली, मेम साहब आप थोड़ा अरारोट मंगा दीजिए, धोबी से बढ़िया कलफ दूंगी। और स्त्री कहती है उसकी ननिहाल धोबियों के मोहल्ले में थी, इसी से बचपन में ही स्त्री करना सीख गई थी। क्या स्त्री करती है छोकरी, एकदम धोबियों का मुंह मारती है। और खाना, बस भाई अब खाने का स्वाद तो कहकर नहीं बताया जा सकता। कल तुम मेरे साथ खाना खाओ और तब बतलाना कि मेरा चांद असली है या नकली। मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जब दूसरे दिन खाना खाने पहुंची तब उसके फ्लैट का काया पलट देखकर दंग रह गई। फर्श ऐसा चमक रहा था कि मुंह देख लो। बचपन में मैंने राजा महाराजाओं के दरबार हॉल के फर्श को अंग्रेज रेजिडेंट और उनकी मेम साहब लोगों की अगवानी में
बियर की खाली बोतलें घिस घिस कर ऐसे ही चमकाए जाते देखा था। वैसा ही कुछ किया था क्या इसने? पहले जब भी मानो के यहाँ गई थी, बेतरतीबी से फैली अव्यवस्था ही देखने को मिली थी। कहीं फटी पत्रिका, कहीं पुत्री के बिखराए कॉमिक का स्तूप, कहीं उल्टी पड़ी चप्पल और कहीं आलसी लापरवाह गृह स्वामिनी की ही भांति पसरी पालतू बिल्ली। पर आज तो उसी गृह सज्जा को देखते ही गृह स्वामिनी के हाथ चूमने को मैं ललक उठी। किसके हाथ का चमत्कार है आज यह मानू, तुम्हारा या? मैं कह भी नहीं पाई थी कि चांद का, कहकर उसने हंसकर मुझे बीच में ही टोक दिया। फिर मुझे हाथ पकड़कर एक नीची मूंज की रंगीन खटोली पर बिठाकर बोली, यह खटोली भी चांद आज अपने घर से उठा लाई। कहने लगी, वहां पड़ी पड़ी सड़ रही है, आपके टेबल लैंप से मेल खाएगी। क्यों, किसी इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया है क्या इसने? मैंने आश्चर्य से एक बार फिर पूरे कमरे को अपनी चकित दृष्टि से टटोला। भगवान जाने, वह फिर हंस हंस कर कहने लगी, पर क्या बताऊं तुम्हें, लाखों में एक है लड़की। ऐसा बढ़िया तेल ठोकती है कि आंखें मूंदने लगती है। लगता है सिर पर हाथ नहीं, दो बड़ी तितलियां उड़ी जा रही हैं। मेरी कमबख्त, मैंने उसके कंधे पकड़कर झकझोर दिया, जेके की गंजी चांद पर इन तितलियों को मत उड़ने देना, समझी? मानो ठठाकर हंस पड़ी। जेके दौरे पर गया था, इसी से उसकी हंसी में एकांत अरण्य में बह रहे निर्झर की सी मिठास थी। इसी बीच चांद अनानास के जूस के दो लंबे हिम शीतल गिलास लेकर आ गई। यह जूस भी चांद ने आज ताजे अनानास का बनाया है। इसका कहना है बाजार के शरबतों की नकली तुलसी गला खराब करती है। इसने किसी टॉमस साहब की मेम से सिरप, जूस, सॉस, पिकल सब कुछ बनाना सीखा है। क्यों है ना चांद? चांद अपनी सजीली ग्रीवा को झटकती, लज्जा का अपूर्व अभिनय करती भीतर चली गई। ओफ, तुम और तुम्हारी चांद। अब शायद तुम कहोगी कि यह अनानास भी तुम्हारी चांद ने तुम्हारे किसी गमले में उगाया था। मेरी बात सुनकर मानो जोर से हंस पड़ी, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, अच्छा सच सच कहना, तुम्हें चांद में कुछ फर्क लगा या नहीं? मैं क्या कह सकती थी भला, जब से वह हमें जूस थमा कर गई, मैं यही तो सोच रही थी, यह क्या वही चांद थी? ना ही नित का नियमित बिलसित चोलिका, न ग्रीवा पर उठकर सिमट गई उत्तरी की यवनिका, न आंखों में वह बिजली, न चाल में वह लटका, दहकते अंगारों पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया था। गर्दन का यह झटका भी तो मेरा नित का परिचित वह झटका नहीं था, जिसे देखकर आकाश के नक्षत्र खिसक खिसक पड़ते थे। नई तांत की ऊंची बंधी साड़ी में वह बंगाल के किसी प्रगतिशील नाट्य मंच पर अवतरित सरल संथाल किशोरी का पटु अभिनय कर रही अभिनेत्री ही लग रही थी। ढीला जूड़ा, जूड़े पर लगे घुंघरूदार गिलट के कांटे और गले में चांदी की जंजीर, न काले अधरों पर गूढ़ कुटिल हास्य की रेखा थी, न चंचल चितवन में शर संधान का सामान्य सा भी आयोजन। खाना लगा दो मेम साहब, उसने बड़ी नम्रता से पूछा। हाँ हाँ लगा दे, मानो ने कहा, जरा दिखा दे अपने हाथ का चमत्कार। सचमुच ही उन काले कलूटे हाथों के चमत्कार ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। लगता था किसी खाद्य प्रतियोगिता में सजे विभिन्न प्रदेशों के रुचिकर व्यंजनों का परिवेशन चतुर पारखियों की प्रतीक्षा कर रहा था। कहीं दक्षिणी इडली डोसा थे और कहीं गुजरात के ढोकला और कश्मीरी कोफ्ते। यह सब क्या चांद ने बनाया है, मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी हाँ, और कौन खानसामा बैठा है यहाँ, हंसकर मानो ने मुझे प्लेट थमा दी। तभी तो हर घड़ी हर पल तुम्हें धन्यवाद देती रहती हूँ। न तो मुझे चांद से चतुर परिचारिका रखने का सुझाव देती, न हमें यह सब चखने को मिलता। अब देखो ना, अनुभव तो इसका विस्तृत है। ब्रिगेडियर कॉल के यहाँ 4 महीने रही, वहीं से कोफ्ते बनाना सीख गई। न लहसुन न प्याज, बस हींग और दही। जीभ पर धरो तो बताशा, कौन कहेगा बकरे का गोश्त है। लगता है पंचतत्व प्राप्त कोई स्वादिष्ट मुर्गा ही अपना प्रसाद थमा गया है। सचमुच ही गजब का रस था चोकरी के हाथ में। आमिष ही नहीं, निरामिष व्यंजनों में भी उसने अमृत घोल कर रख दिया था।
ऐसी इडली तो मद्रास में भी नहीं खाई चांद, मैंने हंसकर कहा। खाओगी भी कैसे? चांद की मुग्धा स्वामिनी स्वयं ही उसके क्रेडेंशियल्स मुझे थमाने लगी। हमारी चांद 4 महीने सुब्रमण्यम के यहाँ जो रही है, वहीं से इडली डोसा उपमा सांभर सब बनाना सीख आई है। फिर 3 महीने मिस्टर नागर के यहाँ रही, इसी से तो हमें आज ये अपूर्व ढोकला मिला है खाने को। पर मैं पूछना चाह रही थी कि आखिर ऐसी गुड़ी परिचारिका को कुछ ही महीनों की अवधि में कार्यमुक्त क्यों कर दिया जाता था। पर हस्ती चांद इसी बीच मिट्टी के 2 सकोरों में ठंडी केवड़ा पगी फिरनी ले आई। यह बनाना किससे सीखा चांद, मैंने हंसकर पूछा। जी अपनी अम्मी से, वह आंचल में मुंह ढाँप कर फिक से हंस पड़ी। ओह मैं तो भूल ही गई थी कि वह यवन दुहिता है, फिरनी तो वह अपनी अम्मी से सीख सकती थी। खाने के बाद वह किसी मुगल दरबार की शाही बांदी की ही शिष्ट शालीनता के साथ एक चांदी की तश्तरी में वर्क में लिपटी 4 गिलौरियां ले आई। सुवासित पीक गुलगुलाती मैं घर लौटी तो सचमुच ही मानो के सौभाग्य पर ईर्ष्या होने लगी। यहाँ रोज वही एक सूखी और एक रसेदार सब्जी की नीरस डुबकी में दिन गुजर रहे थे, उधर एक ही दीवार के पीछे मानो कैसे कैसे अलभ्य व्यंजनों का आनंद ले रही थी। काश मैंने ही रख लिया होता छोकरी को। धोबी का खर्चा बंद, स्कूल का खाना पहुंचाने में सचिवालय के ठसकेदार चपरासी के नखरे सहना बंद, झाड़ू पोछा लगाने के रेट इधर अचानक ही महरियों ने बढ़ा दिए थे। इसी से वह सब भी खुद ही करना पड़ता था और उसे निपटाने में कभी शवासन कभी मयूरासन की मुद्रा में पूरी देह टिटनेस के रोगी की ही भांति ऐंठ कर रह जाती थी। चांद को रख लिया होता तो वह पीर बावर्ची भिश्ती खर सब बन सकती थी। एक यही भय तो रहता कि वह दुस्साहसी सिंहिका पुरुष मात्र के छाया ग्रास को ग्रस कर उद्रस्त कर लेती है। पर ऐसी गुड़ी सेविका का यह अक्षम्य गुण भी शायद उसके असंख्य गुणों के सम्मुख नगण्य ही लगता। दूसरे दिन पति के दफ्तर जाने के बाद नित्य के नियमानुसार मानो मुझसे मिलने आई। क्यों कैसी लगी हमारी नई मेड इन वेटिंग, उसने हंसकर कहा। सच गजब की लड़की है भाई, अब तो मैं पुरुषों को दोष नहीं देती। पर यह तो बताना मानो, तुमने इसकी सजधज में कौन सी जादुई छड़ी फेर दी? मतलब, मानो ने हंसकर पूछा। अरे भाई मतलब यह कि, मैं एक पल को स्वयं ही घबरा गई, पर वह अचानक स्वयं ही समझकर जोर से हंस पड़ी। ओह समझी, जानती हो, वह फुसफुसाकर कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं पहनती अभागी, उसकी गढ़न ही ऐसी बेतुकी है। मैं भी यही समझती थी कि शायद वह सस्ते पैडेड ब्रास खरीद कर लाई होगी कहीं से। पहले तो समझ में नहीं आया कैसे उससे कहूँ, पर फिर एक दिन मौका देखकर मैंने उसे चौके के एकांत में ही घेर लिया। देखो चांद, मैंने कहा, आज तक बात दूसरी थी, तुम अब हमारे यहाँ रहती हो, तुम्हें अपना ओढ़ना पहनना खाना पीना उठना बैठना भी हमारे घर के सांचे में ढालना होगा। मैं तो छुआछूत नहीं मानती, पर कभी जात बिरादरी वाले आ गए तो तुम्हारा गरारा देखकर भड़क जाएंगे। मैं तुम्हें कल ही 2 पेटीकोट साड़ी ब्लाउज ला दूंगी, वही पहनना। अच्छा जी मैम साहब, उसने ऐसी भोली अदा से कहा कि उसके जिस मिनी परिधान की मैं कड़े शब्दों में आलोचना करने आई थी वे मुंह ही में घुलकर रह गए। शायद मैं कुछ कह भी ना पाई, पर अचानक मेरी दृष्टि उसके चेहरे से फिसलकर नीचे अटक गई। नहीं नहीं, मुझे कुछ कहना ही चाहिए, सोचकर मैंने हिम्मत की। देखो चांद, मैंने फिर फुसलाकर उससे स्पष्ट शब्दों में कह ही दिया, तुम जो यह सब पहनती हो ना, इसे भले घर की लड़कियां नहीं पहनती। क्या मैम साहब? उसके सरल प्रश्न की निर्दोष खनक मुझे चौंका गई। वह ऐसे गर्दन मोड़कर मुझे देख रही थी जैसे सहसा चौंकाया गया निर्दोष शिशु माँ का स्तन छोड़कर किसी को देखता है। मैं एक पल को हकबका गई, पर फिर मुझे साफ साफ कहना ही पड़ा। ओह वह हंसी, और जानती हो उसने क्या किया? क्या? मैंने पूछा। एकदम कुर्ती उठाकर टॉपलेस बनी मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं पहनती मैम साहब, उसने कहा, पर उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई।
लज्जा से माथा कट गया मेरा। लोग हजारों रुपया खर्च करके विदेश जाते हैं ओ कलकत्ता देखने, मैंने व्यंग से हंसकर कहा, और तुमने बैठे बिठाए मुफ्त में ही वह नाटक देख लिया। तुम्हें तो मजाक ही सूझता है, मानो इस बार झुंझला उठी। पर तुम ही बताओ अब, वह जो एनसीसी के जवानों की भांति सीना तान कर चलती है, उसमें दोष उसका है या स्वयं विधाता का? उसकी इस बेजोड़ देह का सौंदर्य निश्चय ही उसे एक अनोखा मॉडल बना सकता है। विदेश जाने पर शी कैन अर्न डॉलर्स, तब उसे यही मॉडल क्यों नहीं बना देती? मैंने हंसकर कहा, आजकल तो संभ्रांत गृहिणियों में बुटीक खोलना एक फैशन सा बन गया है। हमारा देश क्या अब इस बात में विदेश से कुछ कम है? काली मॉडल को यहाँ भी मान्यता मिलने लगी है मानो। आए दिन तो हमारी फैशन पत्रिकाओं में जनाने कपड़ों में कवायद कर रहे जनखे से छोकरे और चुस्त मर्दानी तमनिया कमीजों के काली कलूटी हाथ पैर फैलाए भूतनी सी मॉडल तो छपती ही रहती हैं। पर एक ही बात है, क्या? मानो ने कान खड़े कर लिए। लग रहा था उसे मेरा मौलिक सुझाव सचमुच ही प्रभावित कर गया है। यही कि चांद किसी पत्रिका में छपी और उसका संपादक कहीं यदि दुर्भाग्य से पुरुष हुआ तो बस फिर उसका राम ही रखवाला रहेगा। मैं हंसने लगी, ओह तुम तो बेचारी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हो। ऐसी नहीं है चांद, मुझे बेबी की देखा देखी अब खुद भी मम्मी कहने लगी है। अब तुम ही बताओ, उस रिश्ते से जेके भी उसका पापा बना या नहीं? मैं एक लंबी सांस खींचकर चुप रह गई। कैसे समझाती उसे कि अपने सगे पापा को छोड़ संसार का कोई भी पुरुष उसका पापा कभी नहीं बन सकता। इसके बाद ही अचानक ठीक तीसरे दिन घबराई मानो ने मेरा द्वार खटखटाया। क्या बात है मानो? मेरे पूछते ही वह रोने लगी। मेरा कलेजा डूब गया। हो ना हो, वही मनहूस चांद अब अपनी उस उदार सरला गृह स्वामिनी को ही ले डूबी होगी। पर मेरे अनुमान का ढेला इस बार गलत निशाने पर लगा। डैडी की तबीयत बहुत खराब है, वह आंखें पोंछकर कहने लगी। थ्रम्बोसिस के दौरे में अचेत पड़े हैं, वह भी एकदम अकेले। मैं आज ही जा रही हूँ। बेबी को मेरे पास छोड़ जाओ, जेके का खाना भी यहीं से चला जाएगा, मैंने कहा। नहीं नहीं, चांद तो यहीं है, वह सब संभाल लेगी। पहले मैंने भी सोचा था कि बेबी को यहीं छोड़ जाऊंगी, पर तुम तो जानती हो डैडी की जान ही इसमें बसी है। कहीं होश आते ही इसी के लिए छटपटा उठे, तब फिर कौन इसे यहाँ से ले जाएगा? और जेके, मैंने पूछा। उसका जाना तो असंभव है, देख तो रही हो नई मिनिस्ट्री के भी प्राण आजकल कंठागत हैं, ऐसे में वह जा ही कैसे सकता है? पर मुझे वैसे भी उसके खाने पीने की चिंता नहीं, कल से नवरात्र हैं, फल दूध छोड़कर वह कुछ लेता नहीं, गैस है ही, दूध उबाल लेगा, झाड़ू पोछा कपड़े धोना हाट बाजार सब चांद करती रहेगी। मैं जैसे आकाश से गिरी। कहती क्या है अभागी? तब क्या यह सचमुच ही सिंघनी की माद में अपने हाथों अपने निरीह पति को ढकेल रही थी? मैं चलूं, दिल्ली भी प्लेन से जा रही हूँ, वहां से दोबारा प्लेन लूंगी। वह उतावली में सीढ़ियां फांती चली गई। उसके पिता अफ्रीका प्रवासी लक्षाधिपति गुजराती उद्योगपतियों के प्रमुख वकील थे। दूसरे दिन 5 बजे चांद मुझे चाबी देने आई। डेयरी से दूध ला उबाल कर रख दिया है मैम साहब, फल भी धोकर मेज पर लगा दिए हैं। साहब जी बड़ी देर में दफ्तर से लौटते हैं, इसी से मम्मी कह रही थी घर बंद कर चाबी आपको दे जाया करूंगी। मुझे चाबी देकर वह चली गई तो मन हल्का सा हो गया। चलो पाप कटा, अब चाहे कहीं जाकर अपना मुंह काला करे, हमारी बस्ती के किसी विश्वामित्र की मेनका तो नहीं बन पाएगी। जब जेके चाबी लेने आए तब मैंने कहा, आपका उपवास है, खुद चाय बनाकर पियेंगे, पानी उबला तैयार है, आप बैठें, मैं एक कप चाय बना लाती हूँ। नहीं नहीं, घबराकर महासंकोची जेके ने चाबी ले ली, चाय तो मैं वैसे ही नहीं पीता, फल खाकर दूध पी लूँगा। दूसरे दिन चांद फिर चाबी देने आई तो मैंने कहा, अरे तेरे साहब रोज फल खाते हैं, आलू वालू क्यों नहीं उबाल देती? आजकल साहब जी के रोजे हैं, मेरे हाथ की बनी सब्जी भी नहीं खाते।
उसने कहा और रोजे सुनकर मुझे हंसी आ गई। चलो, मैंने मन ही मन कहा, इस संसार में कम से कम एक पुरुष को तो इसके स्पर्श से परहेज है। पर उसी क्षण मुझे वर्षों पूर्व पहाड़ी दुरंत पगडंडी में यवन प्रणयी के संग छिपी उस भोली हिंदू रूप जीवा का अल्हड़ अनुरोध स्मरण हो आया। मैं डांडी में जा रही थी, तमसावृता सीतार्थ रात्रि में न जाने किस देवदारु के नीचे ठिठुरती अपने विजातीय प्रेमी से कह रही थी, और जो करो मोसली दाजियो, मेरा मुंह मत चूमना, आज मेरी एकादशी है। कहीं ऐसे ही प्रणय भी ने अनुरोध ने संयमी जेके को भी बांध लिया। तब चौथे ही दिन मैंने देखा चांद अपनी साड़ी की अस्वाभाविक केचली उतार एक बार फिर अपने घुमेरदार गरारे में उतर आई है। होंठों पर वही कुटिल स्मित और सस्ती लालिमा और ओर छोर सुवासित करती दिल बहार की वैसी ही मादक सुगंध। मेरी खिड़की के नीचे लगी पत्थर की बेंच पर आ बैठी वह निशंक बीड़ी फूंक रही थी। मैं चुपचाप पीछे खिसक गई। एक घंटा भी नहीं गुजरा था कि किसी ने घंटी बजाई। द्वार खोला तो हाथ में चाबी लिए चांद खड़ी थी। उसका श्रृंगार आज विशेष रूप से मारात्मक लग रहा था। दोनों चोटियों पर सर्च लाइट से चमकते दो सूरजमुखी के फूलों की पीताब छाया उस कराल वदना के चेहरे को और भी काला बना रही थी, जैसे आबनूसी चौड़ी तश्तरी को किसी ने वैक्स पाल से चमका दिया हो। सस्ती सुगंध से मेरा माथा चकरा गया। लग रहा था बंगलौरी अगरबत्ती का पूरा बंडल ही सुलगाकर किसी ने मेरे नाक के नीचे रख दिया है। आज इतनी जल्दी डेयरी से दूध कैसे मिल गया, मैंने कुछ रुखाई से ही पूछा। जी, कल ही दूध की दो बोतलें लेकर फ्रिज में रख दी थी। हमारे मौसियां आए हैं, पिक्चर देखने ले जाएंगे, साहब जी से कह दिया था। मैं चाबी लेकर द्वार बंद करने जा ही रही थी कि मेरी दृष्टि उसके प्रतीक्षारत बाके मौसिया पर पड़ गई। जिस मुग्ध दृष्टि से उसका वह रिक्शा चालक मौसिया सीढ़ियां उतरती उस स्वप्न सुंदरी को देख रहा था, उसमें और जो कुछ भी हो बुजुर्ग मौसिया का स्नेह कदापि नहीं झलक रहा था। फिर तो एक एक कर उसके नित्य नवीन मौसिया फूफा और जीजा उसे बारी बारी से पिक्चर ले जाने लगे। उधर मानो की कोई खबर ही नहीं थी। एक एक कर 3 महीने बीत गए और वह नहीं लौटी। एक दिन उसकी लंबी चिट्ठी आई तो मैं खेल उठी। वह अभी नहीं लौट पाएगी ऐसा ही उसने लिखा था। पिता की अवस्था अब चिंताजनक नहीं थी, किंतु उस झटके ने उन्हें अपंग बनाकर छोड़ दिया था। इसी से रुग्ण असहाय पिता को विदेश में छोड़ वह आ भी कैसे सकती थी। स्वदेश आने को पिता तैयार नहीं थे। उनकी देखभाल की समुचित व्यवस्था करके ही मैं आ पाऊंगी। फिर ऐसी चिंता भी नहीं है, उसने लिखा था, उनके खाने पीने की व्यवस्था का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुमने ऐसी हीरे का टुकड़ा नौकरानी दी है, तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह ना होती तो कभी ऐसे पैर फैलाकर मायके में पसर पाती। वह तो मेरी गृहस्थी मुझसे भी अच्छी चला रही होगी, क्यों है ना? ठीक ही लिखा था उस मूर्खा ने। चांद सचमुच ही उसकी गृहस्थी को उससे भी सुचारू रूप से संचालित कर रही थी। जेके के पिचके प्रौढ़ कपोलों पर मांस की परतें चढ़ गई थी। दफ्तर जाने लगते तो उनकी फाइल लेकर चांद किसी अनुभवी एंग्लो इंडियन सेक्रेटरी की भांति कार में लगा जाती। कभी भागकर मेज पर छूट गया कलम साहब को थमाती, कभी चश्मा। पहले मानो कई बार मेरे पास आकर बिसूरती थी कि जेके दिन डूबे दफ्तर से लौटता है। फिर क्या इष्ट मित्रों के बीच उठने बैठने का समय रह जाता है? मैं उसे लाख समझाती, मानो सचिव अनसचिव की पत्नियों को तो सदा ही प्रोसित पतिका का जीवन जीना पड़ता है, पर उसकी वही फटीचर गमारू दलील मुझे झुंझला देती। तुम नहीं जानती, सौ का प्रेम उसे 4 ही बजे दफ्तर से घर खींच लाता था। यही नहीं, मुझे तो इधर जेके की खलवाट चिकनी चांद में ठूंठ वृक्ष पर बसंतागमन में उग आए नए नए कोपलों के से नवीन सगुच्छ की संदिग्धपूर्ण कालिमा भी दिखने लगी थी। कहीं यह मायावनी चांद की चंपी का चमत्कार तो नहीं था? पर नवरात्र के उस स्निग्ध पावन ब्रह्म मुहूर्त में
उस शांत कंठस्वर की अनेक आवृत्तियां मुझे फिर आश्वस्त कर उठती। मेरी उस पारदर्शी दीवार को भेदता जेके का मधुर कंठस्वर मेरे कमरे में भी जैसे हवन की पावन धूम्र रेखा बिखेर देता। ओम शुभ्र वर्ण शिवारूढ़ाय नमः, ओम मुंड मालास विभूषणाय नमः, ओम कल्प वल्ली वन स्थिताय नमः, ओम शमशान मध्य जाय नमः। जिस ग्रह में इस पवित्र अष्टोत्तर का नित्य जप होता हो वहाँ भला कौन सी डाकनी जीवित रह सकती थी। मेरी तो आज भी यह दृढ़ धारणा है कि जेके का शतमुखी विनिपात निश्चय ही उस ग्रह की चहार दीवारी से बाहर ही हुआ होगा। उसी दिन महरी ने आकर मेरे संदेह की पुष्टि कर दी। बहू जी, मुझे एकांत कोने में खींचकर वह फुसफुसाई, आप बहू जी को लिख दें जल्दी चली आए। क्यों? मैंने सब कुछ समझकर भी अनजान बनकर पूछा। अब का कही बहू जी, वो मुँह झौंसी पटरानी बनी बैठी है। वह और भी धीमे स्वर में फुसफुसाई। क्या कहती हो मेरी? मैंने अविश्वास से कहा, पर शायद मेरा स्त्रियोचित कुतूहल मेरी आंखों में झलक उसे और भी प्रगल्भ बना गया। हाँ बहू जी, राम कसम, आज हम पानी भरने एकदम चौकी में चली गई। साहब खाना खा रहे थे और पटरानी मेज पर बैठी हंस हंस कर बतिया रही थी। कौन? अब मेरा फूहड़ प्रश्न अपर महरी को झिझोड़ गया। और कौन? वही चंदा सहजादी, उसने होंठ बिचकाकर कहा। मुझे काटो तो खून नहीं, तब क्या बात सचमुच ही यहाँ तक बढ़ गई थी? आप आज ही चिट्ठी छोड़ दे बहू जी, ई बेहया तो का पता और कितना घर बर्बाद करी है। यह महरी क्या अकेली हम दोनों की महरी थी? आठ ग्रहों की यह सम्मिलित चेरी घर घर का जूठन साफ भी करती थी और कभी वही जूठन उसी तत्परता से इधर उधर बिखेर भी देती थी। इसी से चंदा शहजादी की चोरी और सीना जोरी की खबर निश्चय ही उन आठों परिवारों की चूरन चटनी बन जाएगी। फिर मूर्ख जेके को क्या अपनी ऊंची नौकरी का भी भय नहीं रहा होगा? नया मंत्रिमंडल एक से एक रौबीले लाल दहकते अंगारे से ऊंचे अफसरों को अपने न्याय चिमटे से पकड़ पकड़ कर आए दिन पानी में बुझा दाएं बाएं फेंक रहा था। किसी दुश्मन ने चुगली खा दी तो बच्चों को मिनटों में नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। नहीं, अब देरी करना ठीक नहीं था। एक सखी के नाते मेरा यह कर्तव्य था कि मैं मानों को अविलंब दुर्घटना स्थल पर पहुंचा दूं, चाहे उसका दाम्पत्य जीवन फिर चिता ही क्यों न चढ़े। मरने से पहले मुंह तो देख लेगी अपने सौभाग्य का। मैंने अपनी कहानियों में आज तक ऐसे प्रसंगों की ना जाने कितनी बार सहज सृष्टि की है। पति का विश्वासघात मेरी लेखनी के लिए अछूता विषय नहीं है, किंतु मानो को पत्र लिखने बैठी तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी लेखनी का शैथिल्य मुझे भी निष्प्राण कर उठा है। मैं हाथ की कलम को तोड़ मरोड़ ही रही थी कि चांद आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, आज भी तुम्हारा कोई मौसिया पिक्चर दिखाने आया है क्या? मैंने व्यंग से हंसकर पूछा। जी में आ रहा था कि एक झापड़ मारकर कलिया का मुंह उत्तर से दक्षिण दिशा को मोड़ दूं। बेहया सस्ती औरत। जी नहीं, मेम साहब शाम को आ रही हैं और अभी अभी घर से खबर आई है कि हमारी भौजाई को दस्त हो रहे हैं। फौरन अम्मा को लेकर देहात चली आओ। उसकी विपन्न मुद्रा देखकर शायद मैं प्रभावित भी हो जाती, पर मैं जानती थी कि अपनी विधवा दुराचारिणी जननी की वह एकमात्र संतान है। तब यह भाई ससुरा अचानक कहाँ से जन्मते ही ब्याह कर बैठा। क्या तुम्हारी सगी भौजाई है? मैंने कठोर स्वर में पूछा। जी एकदम सगी, उसने कहा। मैं समझ गई उस काल्पनिक भौजाई का हैजा भी परिस्थितिवश गढ़ी हुई कलूटी के कलुषित मस्तिष्क की खोखली उड़ान भर थी। आप चाबी रख लें, तबीयत ठीक होते ही हम लौट आएंगी। वह मुझे चाबी थमाकर एक प्रकार से दौड़ती चली गई। मैं जानती थी वह कभी नहीं लौटेगी। इधर जेके भी तो बौरा गया था। बदनाम माँ बेटी की इस जोड़ी के लिए उसने अपना गेस्ट रूम ही खोल दिया था। लाख चिकन डाल, ऐसी बातें कहीं छिपाए छिपती हैं। चांद के जाते ही जेके ने माँ बेटी के अस्थाई आवास से उनका रहा सहा सामान उठवाकर बड़े ही कौशल से बाहर कर दिया। किसी जन्मजात हत्यारे की भांति
फिर उसने रक्त के एक एक छींटे को ही रगड़कर नहीं मिटाया, जल्दी जल्दी में छूट गई एकाध चूड़ीदार चुन्नी को भी जला दिया। जब यह होली जल रही थी तब ही सीआईडी को भी मात देती महरी वहां पहुंचकर यह खबर दे गई थी। मैंने मौका देखकर महरी की मुट्ठी गर्म कर दी, जैसे भी हो अपनी सखी के इस दुर्भाग्य प्रकाश को प्रेस में जाने से पूर्व ही नष्ट करना मेरा कर्तव्य था। तुम यह सब किसी से मत कहना महरी, मैंने कहा, किंतु स्त्री होकर मैं क्या किसी दूसरी स्त्री के लिए किए गए इस अनुरोध की व्यर्थता नहीं समझती थी? संसार की कौन सी स्त्री भला इस कठिन अनुरोध को अंत तक निभा सकती है? अपने 8 बच्चों के साथ उनके अकर्मण्य पिता की भी कसमें खाती महरी 10 का नोट लेकर चली गई। प्राण रहते वह यह सब किसी से नहीं कहेगी। मानो आते ही भागकर मुझसे मिलने चली आई थी। क्यों, कैसी लग रही हूं मैं? मोटी होकर लौटी हूं ना मायके से? वह हंसी पर मैं नहीं हंस सकी। वह क्या जान पाएगी कि जिस प्राणों से प्रिय अंगूठी को वह यहां छोड़ गई थी उसकी अनुपस्थिति में उसके हीरे नगीने को ही किसी वंचक ने बदल दिया है। वह सचमुच ही मोटी होकर लौटी थी, चेहरे का पीलापन चला गया था। इतने दिनों पश्चात पति को देखने का उल्लास सुंदर चेहरे पर सहस्त्र किरणें छोड़ रहा था। पर देखो ना, हमारी चांद तो हमारे आते ही देहात चलती। सुना उसकी भाभी को हैजा हो गया है, मुझे तो डर है कहीं उसे भी कुछ ना हो जाए। भगवान करे उसे देहात पहुंचते ही महामारी लील जाए, मैंने मन ही मन कहा। उधर जेके ने अधैर्य से हाँक लगाई, मानो मानो, देखा कैसे बौराए जा रहे हैं, लाज शर्म कुछ नहीं है इन्हें, उसने कहा। और ब्रीड़ा का अबीर पूरे चेहरे पर ऐसे छलक गया जैसे अभी अभी डोले से उतरी चौथ की दुल्हन हो। वह चली गई, पर कहते हैं कि खून एक दिन स्वयं बोल उठता है। हत्यारे ने हत्या का एक एक निशान तो मिटा दिया पर फिर चूक ही गया। ठीक 12 बजे रात को किसी ने मेरा द्वार खटखटाया। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं मानो, उसने छीड़ स्वर में कहा। मैंने द्वार खोला तो उसे देखती ही रह गई, रूखे बाल, उतरा चेहरा और फूली फूली आंखें। अरे, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आओ आओ भीतर, मैंने कहा। नहीं, वह फुसफुसाई जैसे नींद में चल रही सोमने बुलिस्ट हो। मैं जा रही हूँ, बाहर रिक्शा खड़ा है। क्या? मैंने अविश्वास से पूछा, कहाँ जा रही हो? यह देखो, उसने गिलट के घुंघरू जड़े कई कांटे मेरे पैरों के पास ऐसे फेंक दिए जैसे हाथ में कुलबुला रहे बिच्छू हूँ। मुझे ये जेके के तकिए के नीचे मिले, ये ना भी मिलते तब भी मैं समझ गई थी। इतने दिनों बाद मैं लौटी और वह पीठ फेर कर सो गया, ठीक ऐसे जैसे भरे पेट शिशु सोता है। मैं तकिया खिसकाने लगी तो ये कांटे, उसका कंठ एक पल को वाष्प स्तंभित हुआ, पर फिर वह आवेगहीन स्वर में कहने लगी। हमेशा वह जूड़े के कांटे खोलकर सिरहाने रखकर सोती थी, कई बार मेरे कमरे में भी तो सोई थी। कहती थी, कांटे गड़ते हैं मम्मी, जब तक खोलकर तकिए तले न धर लूं नींद नहीं आती। आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें उसके कपोलों पर ढुलक गईं। हो सकता है जेके को ब्लैकमेल करने को जानबूझकर ही छोड़ गई हो। उस हराम जाति को मैं खूब जानती हूँ, मैंने अपनी दुर्बल दलील को कंठ स्वर कठोर बनाकर पुष्ट करने की चेष्टा की। आजकल तो यही सब हो रहा है, अर्थी में चढ़ने को तैयार बूढ़े मंत्रियों तक की निर्मम चरित्र हत्या की जा रही है। मैं फिर अपने नवीन तर्क से स्वयं ही उल्लसित होती हुई बड़े उत्साह से उसे समझाने लगी। नहीं, कड़क कर मानो ने कहा, किसी ने उसके चरित्र की निर्मम हत्या नहीं की, उसका चरित्र अपनी कुदरती मौत से मरा है। तुमने उससे कुछ पूछा नहीं? मैंने कहा। किससे? जेके से? वह हंसी। उस अंधेरी रात में सतर खड़ी उस उज्जवल वर्ण युवती का चेहरा कितना करुण, कितना सुंदर लग रहा था, कैसे लिखूं? न ललाट पर बिंदी थी, न हाथों में चूड़ियां, सफेद साड़ी से मेल खा रहा सफेद चेहरा। लगता था अपने ही हाथों से अपना सुहाग उतार
कोई सद्य वैधव दग्ध पाषाण हृदय विधवा ही मेरे सम्मुख खड़ी है। वह कहने लगी, मैंने जगाकर पूछा, जेके ये चांद के कांटे तुम्हारे तकिए के नीचे कैसे आ गए? उत्तर उसने नहीं, उसके चेहरे ने उसी क्षण दे दिया। मैं नहीं जानता, वह बुरी तरह हकलाने लगा। मुझे उस पर भी तरस आ गया, लगता था अभी अभी रो पड़ेगा। जिस कठोर पति की कड़क सुनकर मैं थरथर कांपती थी, आज उसे ही मेरी कड़क थरथर कपा रही थी। पता नहीं कौन छोड़ गया इन्हें। वह बिस्तरे पर ही बैठकर नमाज सी पढ़ता स्वयं बड़बड़ाने लगा, मैं नहीं जानता। पर मैं जान गई थी कि उन कांटों को वहाँ कौन छोड़ गई थी। उसने क्या कांटे ही छोड़े थे? वह तो अपने सस्ते इत्र की खुशबू, जेके के तकिए, चादर, हर कमीज, हर रुमाल की बखिया में गूंथ गूंथ कर छोड़ गई थी। अच्छा हुआ बेबी को मैं वहीं छोड़ आई। अच्छा चलो बहन, इतनी रात को तुम अकेली स्टेशन कैसे जाओगी? मैंने घबरा कर पूछा। चली जाऊंगी, अब मुझे जीवन भर अकेले ही तो चलना है, यह क्यों भूल जाती हो? उसकी करुण हंसी मेरा कलेजा बींद गई। मैं ही तो उसके इस दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी थी। जहाँ भी रहूँगी, हमारी मैत्री की स्मृतियाँ मेरे जीवन की सबसे सुखद स्मृतियाँ रहेंगी। उसने चलते चलते मेरे दोनों हाथ अपनी मुट्ठी में बांध लिए। कंठ का गह्वर घुटक कर मैंने उसे भीतर खींचने की व्यर्थ चेष्टा की। आज रात को सोच लो मानो, जीवन भर का रिश्ता ऐसे नहीं तोड़ा जाता। मैंने नहीं तोड़ा बहन, वह तो विधाता ने तोड़ दिया है। मुझे मत रोको, गाड़ी तो सुबह 5 बजे जाती है, पर 30 फ्लैटों की आंखें सुबह मुझे घूरे, चीरे, फाड़ें, यह साहस नहीं है मुझ में। वह तो बेबी डैडी के पास रह गई, वह होती तो पूरी बस्ती में खबर फैल जाती कि हम आ गए हैं। सिवा तुम्हारे और शायद किसी ने भी न मुझे आता देखा न जाते। मैं उसे रोक नहीं पाई। सचमुच ही शायद उसे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि कहीं भी उसके आगमन और मायके प्रत्यावर्तन की चर्चा नहीं हुई। उसके जाने के ठीक 7वें दिन चांद अवश्य लौट आई। मैं एक दिन उठी तो देखा, सिंहिका अपने प्रिय गढ़ टीले पर जमी है, वह नीलवर्णी गरारा और चमकता दुपट्टा। जी में आया उस तुंग कुचा निर्लज कलूटी को धक्का दे नीचे गिरा, पच्च से मुंह में थूक दूं। मुझे देखकर भी उसने न नित्य की भांति हाथ जोड़े न हंसी। पहले आइसक्रीम वाले को रोककर 4 बाल्टियां खरीदी, 3 के दाम देने लगी तो उसने दाम और मांगे। बड़ी अदा से गर्दन झटक कर वह बोली, शाम को घर पर आकर दाम ले लेना, समझे? उस उदार आश्वासन से काने की बुझी आंख भी जैसे दब से जल उठी। हाँ हाँ, पूरी गाड़ी तुम्हारी है भवानी। वह गाड़ी ठेलता चला गया तो देखते ही देखते उसने एक साइकिल सवार को अपने कटाक्ष के कांटे से खींचकर धरा पर पटक दिया। जल बिन मीन सा तड़पता वह मोटा शिकार भी संध्या को घर आने का मीठा निमंत्रण लेकर गदगद होकर चला गया। फिर आया पठान सा ऊंचा उसका पूर्व परिचित रिक्शा चालक। मैंने अतीत के उस स्नेही मौसिया को पहचानने में भूल नहीं की। चलोगी नहीं? उसने पूछा, टैम हो रहा है। नहीं, आज हम नहीं जाएंगे, दिल उदास है। एक चोटी को पीछे फेंक वह चाबी का गुच्छा हवा में उछालने लगी। किसी प्राचीन मंदिर की भित्त चित्रांकित कंदुक क्रीड़ार्ता सुरसुंदरी की ही भांति वह सहसा बंकी मुद्रा में खड़ी हो गई। कैसा दिल उदास है चोटी का, मैं मन ही मन दांत पीस कर बुदबुदाई। क्या उदार स्वामिनी के निष्कासन से ही दिल उदास था उसका? वाह, हम तो स्टेशन की सवारी छोड़कर आए हैं आपकी खातिर। अच्छा चलो, प्रणय के अनूठे त्याग ने शायद उसकी उदासी का मेघखंड उड़ा दिया। उसने दोनों हाथों से गरारा ऐसे उठाया जैसे विदेशी चलचित्र की तारिका अपना भारी गाउन उठाकर मखमली फर्श पर चल रही हो। वह मुस्कुराकर रिक्शा में बैठी तो चालक ने एक फरसी लगाकर पूछा, कहाँ चलूँ सरकार? पता नहीं उसने क्या कहा, पर अपना सस्ता चश्मा ठीक कर खर्र से पैडल मारता हवा में तैरने लगा। कभी सोचती थी क्या सोचकर उसके माँ बाप ने इसका नाम धरा होगा चांद, पर अब सोचती हूँ इससे बढ़िया नाम इसका और हो ही नहीं सकता था।
गगन के चंद्र के धरा पर चरण रखते ही तो मानव अपना शारीरिक संतुलन खोकर शून्य अंतरिक्ष में हाथ पैर छोड़कर तैरने लगता है, और धरा के इस चंद्र के सम्मुख आते ही मानव उसी विवशता से अपना संतुलन खोकर मूर्ख बना शून्य अंतरिक्ष में बौराने लगता है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।